दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सुशील, मैंने ऐसी पिछले 20-22 साल से कवरेज कर रहा हूं, मैंने कई जगह किया, कई ऐसी सुनामी भी आया, अकाल भी पड़ा, भूकंप भी आया, लेकिन मैं पहली बार ऐसी चीज़ देखी, इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ जिस तरीके से, कि पहली बार कोई मैथमेटिकल मॉडल इसके लिए नहीं आया है। लोग बात साइंटिस्टों की तरफ देख रहे हैं। परेशानी क्या है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसके ऊपर कम बोल रहे हैं, बनिस्पत एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट ज़्यादा बोल रहे हैं। सबसे पहला मैथमेटिकल मॉडल ये होता है, जैसे कि अगर अकाल पड़ रहा है तो अकाल का आंकलन करने के लिए और अकाल को किस तरीके से इससे निपटा जाए, उसका जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो एक मैथमेटिकल मॉड्यूल बनाते हैं कि ये संभावनाएं हैं, इतने लोग इससे प्रभावित होंगे, अकाल के प्रभाव किस किस क्षेत्र में होंगे, तो तैयारी किस किस तरह करेगी, मतलब जो स्ट्रैटेजी बनती है वो मैथमेटिकल मॉड्यूल बनती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इसका मैथमेटिकल मॉड्यूल बनाया था, इंटरनेशनली बनाया था, और उन्होंने वास्तव में इसको 10 मार्च को रिलीज़ किया था, और इसको वास्तव में इस बीमारी को बहुत भयावह बताया था दुनिया के लिए, जो कि अब सामने आ रहा है। दूसरा, एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, और उन्होंने ये मानना था कि 30 मई तक इस बीमारी का म्यूटेशन होके आगे क्या चलेगा, वो उसने बताया था कि ये किस किस देश पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें भारत देश पे सबसे ज़्यादा प्रभाव माना गया था उस मैथमेटिकल मॉडल में। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस वायरस की साइकिल, इसका कल्चर क्या है, कैसे म्यूटेट बदल रहा है, इसके लिए कोई भी जानकारी पब्लिक के सामने है, और आम आदमी, मेरे जैसा भी आदमी जो है, इसको लेके बहुत परेशान है कि आखिर करें क्या। अब आप बात आते हैं लॉकडाउन इसका हल है नहीं है, क्योंकि वुहान में जो सबसे पहले हुआ था उन्होंने लॉकडाउन से इसको कंट्रोल किया था, जबकि साउथ कोरिया ने टेस्टिंग करके किया था। हम इंडिया ने लॉकडाउन को बेहतर माना, लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लॉकडाउन कब तक। अब प्रशासनिक तैयारी की मैं बताऊँ, प्रशासन के भी मेरे अधिकारियों से बात होती है, प्रशासन को भी ये नहीं मालूम है कि करना क्या, कैसे करना है, क्यों करना है, Why? अब आप ये देखो, शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का आपने कर्फ्यू लगा दिया, दिन भर आप आदमी घूम रहे हैं। अब मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये आपने शाम का 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू क्यों लगाया, व्हाट इज़ द रीज़न, तो बोलते वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है, हमको गाइडलाइन सही है, हम उसकी पालना कर रहे हैं। अब इसके अंदर लोग, आम आदमी जो 7 बजे 6:30 बजे घूम रहा है, उस पर पुलिस डंडा फैलाते, कहती अंदर दिख रहा, अंदर चलो, ही इज़ नॉट नोइंग कि मैं अंदर क्यों जाऊँ। अब आप आ जाओ, अजमेर की बात करते हैं, अपन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान और गुजरात में, गुजरात देखो आप, इंडिया का नंबर वन माना जाता है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, क्योंकि NRIs आके यहाँ, वहाँ पे आप जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल देखोगे गुजरात में, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद में 350 करीब आज मौत हुई है, और आप ये देखो, पिछले साल का अगर आप आंकड़ा उठाओगे तो 576 या 580 डेथ सिर्फ स्वाइन फ्लू से हुई थी, है ना, गुजरात में, जो कि इतना बड़ा मॉडल माना जाता है। 2013 से पहले आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में 40,000 मौतें मलेरिया से होती थी। आज राजस्थान में, जो अपने अजमेर का ब्यावर वाला हिस्सा है, जिसको हम डार्क जोन मलेरिया का मानते हैं, यहाँ पे 2,000 से 2,500 मौतें हो जाती है। हमने इस कोरोना वायरस को लेके कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन भय बहुत ज़्यादा है। हमारा अजमेर में आ जाओ, अजमेर में आप ये देखोगे, पहला केस मिलता है 25 मार्च को, फिर अगले डेट मिलती है ना 30 मार्च को मिलते हैं, 30 मार्च के बाद नहीं रहते, और आज स्थिति यह कि 185 है। अब हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो डबलिंग हो रही है 11 दिन में 12 दिन में, है ना, लेकिन अजमेर में आप डबलिंग देखोगे, एवरेज निकल रहा है 5 दिन 6 दिन। यानी हम अगर इस मॉड्यूल को मान के चलें कि 5 दिन में डबलिंग हो रही है, तो आज है 9 मई, अगले 5 दिन बाद ये आंकड़ा 300 के तक हो जाएगा, इसी अगर इस मैथमेटिकल मॉडल को हम मानते हैं कि डबलिंग रेट इज 5 डेज। अब आप मोर्टिलिटी रेट देखो, मृत्यु दर देखोगे तो हिंदुस्तान की 3.4 आ रही है, अजमेर के देखें तो अभी भी 1.5 है। अगर हम 1.5 को ही मृत्यु दर मानते हैं अजमेर के लिए, तो सुशील ये मान के चलो कि जब 185 है, जब 1,000 तक पहुँचेगा, जिस दिन 1,000 मरीज होंगे, उस दिन आप मान के चलना कि इस मैथमेटिकल मॉड्यूल के आधार पर अनुमानित 15 मौतें होंगी अजमेर में। 100 पे 1 मौत है, 100 पे 1.5 मौत हो रही है यहाँ पे, 185 हुए हैं तो हम 3 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे,
जबकि पूरे राजस्थान में 3.4 है, यानी 100 पे 3.4 मौतें हैं, 3 और 4 के बीच की मौतें हो रही हैं। ये हिंदुस्तान का, ये इंडिया का जो है मोर्टेलिटी रेट आ रही है इसमें, हमारे अजमेर की अभी कम आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम अगर 5 दिन में डबलिंग का मॉडल मान के चलते हैं, तो आप ये देखो कि 10 दिन के बाद हमारे पास 600 होंगे, 10 दिन के बाद 600 और 650 के बीच में हमारे मरीज की संख्या होगी, है ना। अगर टेस्ट होते हैं और इस रेट को हम 5 डेज़ के डबलिंग को मानते हैं, इंडिया में 11 दिनों में डबल हो रहे हैं, हमारे यहाँ 5 दिन में डबल हो रहे हैं, तो हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे ना कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे 185 मरीजों में 60 के करीब ठीक हो गए। 60 के करीब ठीक होने का मतलब मान के ये आप चलो कि हमारे यहाँ 30% लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट 30% आ रही है, जबकि ये रेट 36% है इंडिया की। इंडिया में 36% लोग, 100 में 36% लोग ठीक होके आ रहे हैं, हमारे यहाँ अभी 30 के करीब आ रही है ये रेट। अच्छा, जो हमारी 3 डेथ हुई हैं, तीनों डेथ का अगर आप देखोगे, सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि हम बताते हैं मृत्यु हो गई, कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु क्यों हुई, अगर आप तीनों मरीजों को देखोगे तो तीनों किसी न किसी चीज़ से पीड़ित थे। किडनी की थी, दमा की बीमारी थी, लेना डायबिटीज़ थी। हम लोगों को ये एक चिकित्सा विभाग का होना चाहिए, एक बुलेटिन निकालना चाहिए, डायबिटीज़ वालों के लिए सतर्कता ज़्यादा करवाएं, जो बीमारी से, अब मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, मैं उसका इलाज नहीं करवा रहा तो मुझे कोरोना होगा तो मेरी किडनी खा जाएगी, तो आपने क्या कहा कि मैं कोरोना से मेरी डेथ होगी, क्योंकि आपने बाकी की सारी सुविधाएं बंद कर रखी हैं। वास्तव में सुशील, मेरे 20-22 साल के जर्नलिज्म में मैंने पहली बार ऐसा देखा जब प्रबंधन के नाम पर ये है कि सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, बाकी किसी के पास इस समय कोई भी ठोस वो नहीं है कि ना यार इसको इम्प्लीमेंट करने से लोगों की लाइफ को बेटर किया जा सकता है। आंकड़े देखो आप, क्योंकि आंकड़े राजस्थान के नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान भर के नहीं आ रहे। आप टीवी खोलोगे आपके सामने होगा आज 150 मर गए। अजमेर के लिए आते हैं, अजमेर में 3 मौतें होगी। अजमेर का अगर आंकड़े देखे जाएंगे तो वास्तव में वही डेथें हुई हैं जो पहले से बीमार चल रहे थे। तीसरी बड़ी चीज़ देखो इसके म्यूटेशन का, देखो सुशील, सबसे पहले ये आया था कि आपको खांसी है, बुखार है, शरीर दर्द है, छींक आ रही है, कोल्ड है, तो आपको कोरोना की संभावना है। लेकिन अब आप देखोगे उन लोगों के कोरोना निकल रहा है जिनको ना खांसी हो रही है, ना बुखार हो रहा है, ना छींक आ रही है, आप जाते हो उनको पॉजिटिव निकल जाते हैं। यानी हमारे लक्षण, अभी भी आपका फ़ोन उठाओगे तो सरकार लक्षण यही बता रही है। हम सरकार को एजुकेट करने का काम भी करना चाहिए लोगों को कि आपके अगर ये लक्षण नहीं है, दूसरे लक्षण है, तो भी आपको कोरोना हो सकता है। हिंदुस्तान में रिसर्च की कमी है क्योंकि सरकार ने केवल और केवल चाइना को आधार बनाया और उसके आधार पर लॉकडाउन भी कर दिया, लेकिन ताइवान और यूएसए दोनों कंट्रीज में लॉकडाउन नहीं किया गया, सारी व्यवस्थाएँ वैसी की वैसी चल रही है, सिर्फ चाइना के रोल मॉडल को अपना कर भारत सरकार ने भी लॉकडाउन कर दिया। सुशील, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में एम्स जैसे हैं जो कि रिसर्च के बहुत अच्छे हैं, और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल के कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे यहाँ रिसर्च का अभाव है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर से, साइंटिस्टों से को अपील नहीं गई, कम फॉरवर्ड इसके ऊपर रिसर्च करके बताएं, आप उनको प्रोत्साहित करो, उनको इनिशिएटिव कराओ। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में साइंटिस्ट नहीं है, उनको बोलो यू कम फॉरवर्ड विथ योर पेपर्स, रिसर्च पेपर्स। हम करके आ रहे हैं कि अमेरिका बोल रहा है वैक्सीन बनाए तो हम भी बना लेंगे, वो कह रहे हैं हम ब्लड प्लाज्मा से इलाज करेंगे, हम भी करेंगे, बट हम अपने आके टैलेंट को बाहर नहीं बुला रहे कि आप आओ, आप इसके बारे में हमको समझाओ। हम विशेषज्ञों को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको नहीं छुपाए, एक्सपर्ट भी अभी तक बाहर नहीं आए। हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, कोरोना वायरस के बारे में उनको स्टडी करनी चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करवाने चाहिए, इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगता है व्यक्तिगत तौर पर सुशील, हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाए। आम आदमी डरा हुआ है, आम आदमी को कुछ भी नहीं मालूम है, आम आदमी को कह रहा है मास्क पहन के जाइए। मैं आपको बताऊं, मास्क पहनने से कोरोना वायरस रुकने वाला नहीं है। उस मास्क कौन सा होना चाहिए, उसका यूज़ कैसा होना चाहिए, और आपको अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना पड़ेगा। हम वो लोग हैं सुशील कि चलते चलते दीवारों को हाथ लगाते हैं, हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, हम खड़े खड़े स्कूटरों को और मोटरसाइकिल को हाथ लगाते हैं। आप दुकान पे चले जाओ, 4 चीज़ों को छेड़ेंगे ज़रूर,
हमको वो समझाना पड़ेगा कि अब वो समय आ गया है कि हमको किसी चीज़ को छूना नहीं है। आप किसी चीज़ को नहीं छूते हो, आप अपना काम करके आते हो, तो आप ज़्यादा सेफ हो। जबकि आप मास्क लगा लो, अब लोगों को ये नहीं मालूम सैनिटाइज़र क्या, सैनिटाइज़र लगा रहे हैं लेकिन 10 चीज़ों को छू रहे हैं। हमें नहीं छूना किसी से, हमसे बात करनी है तो हमको आगे होकर दूर रखनी है। जबकि हिंदुस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है, इसको टोटल बदलना पड़ेगा। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी जो लोगों को बीच में जाके समझाए। हमारे यहाँ आज भी इतने 40 दिन होने के बाद भी मैं बताऊँ, मेरे को सड़क पर लोग मिलते हैं तो हाथ मिलाने या गले मिलने की कोशिश करते हैं, उनको समझाना पड़ता है भैया दूर दूर रहो, मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज़र की बोतल हाथ में, लेकिन गले ज़रूर मिलना है उनको। तो हमारी सोच को बदलना होगा, और ये सोच ऐसा नहीं कि हमारी नहीं थी, हम वो लोग थे जो अपने घरों में घुसने से पहले हाथ मुँह और पैर धोया करते थे, हम वो लोग थे कि हम किचन को शुद्ध रखा करते थे। वो चीज़ें हमको वापस अपनी लानी होगी। तो अब लॉकडाउन 3.0 हटेगा या कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा है ये हटेंगे, तो उसके बाद क्या दिनचर्या जो है पूरी तरह से बदल जाएगी? लोगों को सैनिटाइज, मास्क और जैसा आप बता रहे हैं दीवारों को हाथ लगाते हैं, गले मिलते हैं, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी? सुशील, मेरे को लगता है, मेरी जो मैं जो पढ़ता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैं मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड रहा है, मैं ये मानता हूँ कि अभी ये वायरस 1 जून से लेके 15 जून तक अपनी गति पकड़ेगा। ये मैं वो रिसर्च पढ़ के बता रहा हूँ जो जिन जिन साइंटिस्टों ने इसका कल्चर पढ़ा है। आप वुहान का उदाहरण लेते हो, वुहान में 72 डेज की साइकिल थी। स्वाइन फ्लू आप आया था तो स्वाइन फ्लू की हमें साइकिल मालूम थी कि ये नवंबर से शुरू हुआ था और अगले साल सितंबर में ख़त्म हो गया था, लेकिन हम कोरोना वायरस के भी साइकिल को पकड़ नहीं पाए। आप जहाँ जहाँ देखो, जैसे इटली ने, स्पेन ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कंट्रोल होने के बाद ये फिर वापस से म्यूटेट होकर निकले और वो जोर से उतने हैं। और इसका उदाहरण आप चाइना देख लो, चाइना ने वुहान को मैंने कोरोना फ्री कर दिया था, लेकिन आज चाइना वापस से युद्ध कर रहा है, उसके आंकड़े सामने नहीं आ रहे। मेरा ये मानना है कि बीच में ये बात चली थी कि गर्मी आ जाएगी, धूप आ जाएगी, तो इसका कल्चर अभी तक साइंटिस्ट, देखो हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको करना चाहिए, दे आर प्रोफेशनल, दे आर एक्सपर्ट्स, उनको इसके कल्चर को पता करना चाहिए था। अब आने वाली, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये हो जाएगा कि वैक्सीन बन गया, जिस दिन हो गया कि इसकी दवाई आ गई, मेरे को लगता है, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अजमेर की बात करता हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ, 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे कोरोना का पीरियड आया भी नहीं आया था, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं। बात करेंगे कितनी आपदाई, मैं जब भूकंप आया था कच्छ में, मैं गया था तो लोगों को ये था, इतने डिप्रेशन में थे, लगता था कि कभी जीवन में उभर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं साल भर के बाद मैं वापस जब गया तो लोग भूल चुके थे उसमें, तो वो जो भूकंप आया था वो इतना भयंकर था कि परिवार के परिवार तबाह हो गए थे। लेकिन हम शॉर्ट मेमोरीड हैं, ये सामान्य जीवन हो जाएगा। राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्थाएं, स्थिति क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम लोगों की जांच होनी चाहिए तब कोरोना से पार पा सकते हैं, क्योंकि लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देगा और सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में जांच नहीं की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या बाहर से जो लोग आए हैं क्या वो कोरोना वायरस को हिंदुस्तान में लेकर? देखो सुशील, इसमें एक मेरा पर्सनल मानना है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, है ना, ये कई चीज़ों में चलती है। कई बार मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कोरोना जांच को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आपने देखा, मेरे पास प्रेस नोट भी आते हैं, आप भी देखते हो, अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 जांचों में तो नेगेटिव आ रहा है, तीसरी जांच में पॉजिटिव आ रहा है। और उन जांचों का ऐसा नहीं होता कि आपने आज ली तो नेगेटिव आ गया और मैं कल पूरे दिन शहर में घुमाया तो उसके बाद पॉजिटिव आ रहा हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मरीज की संख्या आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को ठीक होने की संख्या बता देते हो तो आपकी एक उपलब्धि माना जाता है। आप समझ रहे हो कि आप 10 लोग में से 8 नहीं हैं, लेकिन हम 8 को एज ए पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं और 2 पेशेंट है उसमें से 1 डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं हमने 9 ठीक कर दिए, जबकि मरीज तो 2 थे, वो 50% का हो गया, 1 मर गया, 1 बच गया। हमारी उपलब्धि 50% थी, लेकिन जब हम 8 जो मरीज नहीं है उसको मरीज बता के ठीक बता रहे हैं तो हमारी उपलब्धि कितनी होगी, 90% होगी, कि हम 90% हमने सक्सेस पा ली है, जबकि वास्तव में सक्सेस आपकी 50% थी कि मरीज 2 ही थे, 8 जो थे वो मरीज नहीं थे आपके। तो ये मैं ये नहीं कह रहा ये होता है,
इस तरह की कॉन्स्पायसी थ्योरीज पे लोग बात भी कर रहे हैं कि लोगों पे जांच की विश्वसनीयता पे भरोसा लाना पड़ेगा, इस सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये कहना पड़ेगा कि यस ये जांच विश्वसनीय है, आपकी एक बार पॉजिटिव आ रहा है दूसरी बार भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि आप पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा होता है कि दो बार ले लिया नेगेटिव आ रहा है, तीसरी बार ले लिया नेगेटिव, चौथी बार में पॉजिटिव आने लग गया। अपना आप केस ले लो वाला, रेलवे म्यूजियम वाला ले लो, जब वो मिर्गी से जांच कराने गया था तब उसका टेस्ट हुआ नेगेटिव आया, उसके बाद 14 तारीख को वो फिर गया जाता है तो उसका नेगेटिव आता है, फिर दो दिन बाद फिर जाता है तो उसका पॉजिटिव आ जाता है। मतलब और बीच में ये जो किट वाला हुआ था, ये मामला हुआ ही था जिसको हम फेल मान रहे हैं। मतलब सरकार को ये देखना चाहिए कि लोगों में विश्वास लाए और डर हटाए। देखो जागरूकता होनी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने आज डर पैदा कर दिया। आदमी जितना डरेगा उसकी इम्यूनिटी पे इतना ही फर्क पड़ेगा। स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू की भी स्थिति ये थी, लेकिन उसका कोई डर नहीं था। चिकनगुनिया को 2 को हो रहा है, 3 को हो रहा है, ठीक हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, मर भी रहे थे। देखो मृत्यु कोई सा भी हो, मैं आपको बताया ना, आज चिकन पॉक्स आपका है, हो गया ही होगा आपको, नेक्स्ट टाइम आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। बचपन में आपको नहीं हुआ तो आपको ओल्ड एज में हो जाएगा। हमको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, हमको लाइफ स्टाइल का के बारे में बताना पड़ेगा लोगों को, हमको स्वच्छता के बारे में बताना पड़ेगा लोगों को। कोरोना जब आया था तब अजमेर में जांच नहीं होती थी, उसके बाद 22 लोगों की जांच शुरू हुई, फिर 40 की हुई, फिर 50 की हुई, अब राजस्थान सरकार कह रही है कि प्रदेश में 10,000 लोगों की जांच हो सकती है। आपको नहीं लगता कि हम किसी भी नई बीमारी से लड़ने के लिए हमारा हेल्थ का जो इंफ्रा है वो बहुत वीक, हम विकासशील हो रहे हैं लेकिन हेल्थ के अंदर उस तरीके से नहीं? वास्तव में हेल्थ के मामले में हम लोग हमारे यहाँ और अगर दूसरी देशों में देखोगे ना सुशील, तो बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पे एक लॉबी, एक माफिया चलता है हेल्थ के मामले में भी। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं साधारण सा इंसान हूँ, मेरे को अगर कमजोरी आती है तो मेरे कम से कम आप मान के चलना 15,000 से 20,000 के टेस्ट हो जाते हैं, जबकि आपका डॉक्टर जो है वो क्लिनिकल इतना ज़्यादा वो होना चाहिए कि वो देख के बता दे कि कमजोरी आपको विटामिन से हो रही है, लास्ट में देंगे वो विटामिन ही मुझको। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, पर आप 100 मेरे ख्याल से एक डॉक्टर यहाँ पे आज भी 1,00,000 के ऊपर ही होगा, तो हमारे यहाँ डेवलप होना चाहिए। हमारे यहाँ जाँच अगर राजस्थान सरकार करा रही है, जाँचें बढ़ाएगी तो अच्छी चीज़ है, जाँचें होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। सुशील मेरा जो लगता है, जो इतना डर बना हुआ है माहौल में, इतना डर बना है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान बड़े अच्छे तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिहाड़ी इकनॉमी है। अगर हम आप US से कंपेयर कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, तो वहाँ की और हमारे यहाँ की इकनॉमी का तरीका अलग है। हम रोज कमा के खाने वाले लोगों में से हैं, हमारे यहाँ पे छोटा रोज़गार आसानी से मिलेगा। हाँ, जो ऊपर लेवल पे जो बैठे हुए हैं उनके जरूर परेशानी आएगी, जो कि यूरोप और इनमें ज़्यादा हैं, वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं, वहाँ परेशानी आएगी क्योंकि इकोनॉमी में इंस्टीट्यूट्स वाइट कॉलर को अभी नहीं झेल पाएंगे। जहाँ उनके पास 4 वाइट कॉलर्स हैं वहाँ पे वो एक से काम चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ हमको मालूम है कि दिहाड़ी वाला 500 रुपये ले रहा था, अब अगर हम उसको 300 रुपये देंगे तो भी वो काम पर आएगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की और कंपेरेटिवली, और क्योंकि हम हिंदुस्तान को भी उसी इकोनॉमिकल प्रिज्म से देख रहे हैं जिसमें यूरोप को दे रहे हैं, यूरोप की तो बिल्कुल अलग तरीके की है, वहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन है, हमारे ऑनलाइन नहीं है। जिस दिन आपका लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, जिस दिन आपके ठेले चाट पकौड़ी और इनके लगने लगे ना, तो सब कमा के जाएंगे, क्यों हमारे हिंदुस्तान का कल्चर बहुत अलग तरीके का है, हमारी इकोनॉमी औरों से बहुत बेहतर समझेगी।